फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की और एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। दोस्तों, आज हम कार शोरूम बनाने वाले हैं हमारे नए शहर के अंदर। अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो चलिए फटाफट हमारे गाड़ी को कलर चेंज कर लेते हैं। RGB कलर कर दिया गाड़ी को, तो चलो इसको लेकर फटाफट हमारे जो मार्क किया हुआ लोकेशन वहीं पर पहुंचते हैं। मगर क्यों? क्योंकि भाई कार शोरूम होने के लिए वो जगह खरीदा है एक कंपनी ने और वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और मेन बात ये है कि ये जो जगह है सिटी के सेंटर में पूरा है। आप लोग देख सकते हो यहां से गाड़ी घूम के चारों तरफ जाती है, मतलब लोग गाड़ी वाड़ी ठोकने के बाद यहाँ से गाड़ी खरीदने जरूर आएंगे, इसीलिए ये जगह सबसे सुइटेबल है कार शोरूम के लिए। तो और तो भाई, जब से न्यू अपडेट आई है तब से हमारे कार शोरूम जहाँ पर था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ऐड कर दिया गया है, तब से हमारे शहर के अंदर एक भी कार शोरूम नहीं है, इसीलिए हम सोचा कि यहीं पर एक कार शोरूम बना। स्टार्ट करते हैं। हमने RGS टूल से एक घर बुला लिया है और ये हमारे शोरूम के लिए परफेक्ट दिखाई दे रहा है। उसके साथ इसके ऊपर बहुत सारे काम करने हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट बढ़ सके हमारे शोरूम के ऊपर। तो हम पहले गार्डन लगाएंगे, उसके साथ साथ नेट वाल, उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे काम करना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, स्टार्ट करते हैं हमारा काम। चलो फटाफट हम यहाँ पर सारे सब कुछ लगाएंगे, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि ये हमारा काम जल्द से जल्द बन जाए। तो चलिए काम कर लेते हैं हम। लेकिन और अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो भाई वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करो हमारा गेम प्ले कैसा लगता है। तो भाई, इसके आगे भी बहुत सारा स्टोरी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर और भी एक ट्रेजेडी है जो कि आगे जाके आप लोगों को पता जरूर चलेगा। तो बस हम ये काम निपटाते हैं, उसके बाद स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई फटाफट। भाई ग्रास टॉप के बाद आप ट्री लगाने का बारी है, जिसको हम प्लांट बना के यहाँ पर सेटअप करेंगे, उसके बाद देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लगेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोल लगाएंगे और इसके बाद भाई हम लगाएंगे बड़ा सा पोल जो कि पूरा जगह को रोशनी कर पाए। तो हमने ये बड़ा वाला पोल को भी लगा दिया। बस भाई, अब हो गया इलेक्ट्रिक पोल का काम खत्म। अब लगाएंगे डस्टबिन को हम, जो कि कलरफुल वाला डस्टबिन को ये सामने लगाएं ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, बहुत ज्यादा कलरफुल होता है ये चीज। और यहाँ पर हम बड़ा वाला डस्टबिन जो सारे घर का कचरा यहाँ पर फेंकते हैं, ठीक है, तो ये लगा दिया हमने बड़ा वाला डस्टबिन। भाई अभी के टाइम हमारे 60% या फिर 70% काम खत्म हो चुका है। और भाई आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हो कि भाई धीरे धीरे रात होती जा रही है, हमारे स्किन से लाइट शॉर्ट होती जा रही है। मतलब हम भाई इतने काम में बिजी थे कि हमें दिन का भी पता नहीं चला और काम करते करते दिन खत्म हो गया, शाम ढलने लगी। और गाइस, मुझे लगता है रात हो जाएगा लेकिन हमारा काम खत्म नहीं होगा। लेकिन भाई हम भी चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द खत्म करके घर में जाएं, थोड़ा सा रेस्ट ले ताकि हमें भी शांति मिले। दिन भर हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है लेकिन काम ज्यादा नहीं है, बस हमें 4 इलेक्ट्रिक पोल को सही जगह पे फिट करना है और काम खत्म करके भाग जाना है। चलो इसको लगाते हैं यहाँ पर, और इसके भाई स्ट्रेट रखना चाहिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम जाता है। देख रहे हो आप लोग इतनी छोटी सी काम करने के लिए कितना ज्यादा टाइम जा रहा है। अगर आप बड़ी तेजी से करने चाहोगे काम, तो एक काम करते करते और एक चीज के ऊपर आप टैप कर दोगे तो वो चीज बिखर जाएगा, इसीलिए इसमें ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये पोल को हम यहाँ पर लगाते हैं, दो पोल को सही सलामत रख दिया हमने। और इसको लगाने का मतलब ये है कि दोस्त, दूर से जब कोई देखेगा तो लगेगा कि यहाँ पर हाँ शोरूम का मेन गेट यही होने वाला है, तो यहीं से हम एंटर करेंगे, इसीलिए हम दो पोल को लगा रहे हैं साइड में। और क्या क्या लगा सकते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। गेम प्ले देखने के बाद आप लोगों को पता मतलब लगेगा कि यहाँ पर और कुछ चीज लगाना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट कर देना ताकि हम अगली बार इस चीज को ऐड कर पाए हमारे शोरूम के अंदर, क्योंकि ये गेम के अंदर इन फ्यूचर सारे दिन रहने वाला है। ये जो हमारा शोरूम है हमारे गेम के अंदर रहने वाला है क्योंकि इसको हम सेव भी करने वाले हैं, ठीक है। जब तक कार शोरूम नहीं आता तब तक ये घर हमारा रहेगा कार शोरूम के हिसाब। तो भाई बात करते करते हमने सारे सब कुछ पोल लगा दिया है, और लास्ट वन पीस ये जो पोल है इसको लगाएंगे हमारा का मेन डोर है उसके लेफ्ट साइड, मतलब निकलने वाले राइट साइड पर लगाएंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलो इसको लगाते हैं फटाफट। और ज्यादा देर तक रहने की बात जो मैं कर रहा था, ये जो सिटी है कभी कभार आप लोग भी सन सिटी के अंदर बहुत सारा पैनोरमल एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम निपटा। ये रहा हमारा सिटी के अंदर लाइटें, बट वेट ए सेकेंड गाइस, मैं जो यहाँ पर ट्रेजेडी की बात कर रहा था यहीं से होता है ट्रेजेडी हमारा शुरू। देखो शोरूम के अंदर सारे सब कुछ काम हमने कर दिया है, पर यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि छोटा वाला जो लाइट है वो सारे जल नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक ऑफिस जाकर वहाँ पर एक कंप्लेंट डालना पड़ेगा ताकि ये लोग आकर हमारे शोरूम के अंदर सारे सब कुछ लाइट का इलेक्ट्रिक सप्लाई दे। तो भाई आप लोग देख सकते हो हमने जो छोटा छोटा पोल लगाया था इसके ऊपर लाइट नहीं जल रही। तो चलो भाई हमारा जो ओनर कहाँ पर है भाई, देखो हालत तो देखो मेरे कार की, भाई एक भी डोर नहीं है कार के अंदर। और हमारा जो फ्रैंकलिन भाई है वो डोर खोलता रहता है हर वक्त, कैसे खोलता है मेरे को पता नहीं, लेकिन ये खोल के अंदर जाएगा ऐसा इसका मानना है, ठीक है। तो भाई ये गाड़ी को लेकर हम फटाफट चलते हैं इलेक्ट्रिक ऑफिस जो की नया नया बना है हमारे पेट्रोल पंप के साइड, तो मतलब पेट्रोल पंप की बगल में। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक ऑफिस, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं लेकिन मुझे कंप्लेंट देने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। और भाई आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक ऑफिस हुआ तो यहाँ पर देखो 4 पोल लगा रखा है और सारे के सारे पोल के ऊपर लाइटें जल रही है, मतलब कुछ भी। भैया आप लोगों का इलेक्ट्रिक सप्लाई है सिटी के अंदर तो आप लोग कुछ भी चाहे कर सकते हो। तो ठीक है भाई अंदर चलते हैं, लेकिन वेट ए सेकेंड, भाई अंदर नहीं जा सकते हम,
अंदर जाने के लिए हम ये कुछ बोल रहे हैं, हमें तीन तीन टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब तीन चीज हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक प्लास है, एक वायर है और एक ये स्क्रू ड्राइवर है। और ये हमें फास्ट लोकेशन दिखा रहा है, रेलवे स्टेशन जाकर वहां से एक वायर को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। मत आई मीन इलेक्ट्रिक ऑफिस की लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी हमें टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक के यूजेस जितने भी सामान है, कटिंग प्लायर बोल सकते हो, स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हो, वायर बोल सकते हो, वो सारे सब कुछ चीज को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पहला लोकेशन दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो ओवरब्रिज रहता है उसके अंदर हमें कोयल का एक बंडल मिलेगा, उसको लेते हैं फटाफट। और आ चुके हैं हम स्टेशन के पास, फटाफट चढ़ते हैं फ्लाईओवर के ऊपर क्योंकि यही ऊपर मुझे मिलेगा कोयल का बंडल। तो भाई ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक केबल जो कि हमें कलेक्ट करना था पहला टास्क। तो ये रहा हमारा चीज, और इसको उठाते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि आप लोग एक बात नोटिस कर सकते होंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है फिलहाल के टाइम बहुत ज्यादा साइलेंट, और यहाँ पर एक भी बंदा नहीं है, मतलब रात बहुत ज्यादा हो चुकी है फिलहाल के टाइम, और हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही खतरनाक है, हमने सुना है कहीं पे। तो भाई तो हमें नेक्स्ट टास्क दिखा रहा है एक स्क्रू ड्राइवर, मतलब जो कि एक हमारे गैरेज से मिलेगा। तो फिर चलो भाई फटाफट हम गैरेज के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से हमें मिलेगा स्क्रू ड्राइवर जो कि इस कोने में कहीं पड़ा होगा, मेरे को पता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलो भाई ये गैरेज फिलहाल के टाइम बंद है या फिर इतने रात हो चुकी है कि सारे सब कुछ ये लोग उठा के भाग गए हैं यहाँ। तो जो भी हो हमें हमारा टास्क कंप्लीट करके यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ज्यादा बकवास करेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और सारे पेनोरमल एक्टिविटी हमारे सामने ही हो जाएगा। तो वो मुझे देखना नहीं है, हमें ये स्क्रू ड्राइवर को उठा लिया हमने और अभी भागते हैं। और हमारा सेकेंड टास्क हो चुका है कम्प्लीट भाई। अब थर्ड टास्क मोबाइल चेक करते हैं, एक मैसेज आया मोबाइल के अंदर और वो है वो माय गॉड भाई, हमें एयरपोर्ट के अंदर जाके वहां से लास्ट चीज जो कि कटिंग प्लेयर को उठाना पड़ेगा। और ये लास्ट टास्क बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि मैंने सुना है एयरपोर्ट के अंदर रात के टाइम बहुत ज्यादा जोम्बी रहते हैं और जो भी जाता है उनको मार देते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर आ चुका हूँ लेकिन फिलहाल के टाइम जगह तो मेरे को सेफ लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को हम देखने को नहीं पा रहे। तो यही टाइम है यहाँ से फटाफट हम चीज को लेते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वेट 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 वेट, यहाँ पर है कुछ चीज़ है जो कि एक कंटेनर जैसा बेस बनाया गया है, इसके ऊपर हम चढ़ के ऊपर शायद जा सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पर ऊपर हम जा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है जो कि इतने रात को टास्क हम कर रहे हैं और ये लोग सारे सब कुछ बंदोबस्त कर रखे हैं हमारे लिए। तो यहाँ से हमें फाइनली कोटिंग प्लेयर मिल गया भाई लोग, तो इसको उठाओ और फटाफट भागो यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये लगाए कूदी और ये चढ़ के गाड़ी लेकर हम पहुंच चुके हैं हमारे इलेक्ट्रिक ऑफिस के पास। तो फाइनली भाई हम यहाँ पर सारे सब कुछ डिपॉजिट करेंगे और भाग जाएंगे। बट ये मैडम जी इतनी रात को यहाँ पर क्या, और चलते हैं इसके अंदर। ओ भाई डोर तो खोला छोड़ा था हम अंदर आ गए, बट अंदर आने के बाद यहाँ पर भी सारे सब कुछ सुनसान, मतलब और ये ऑफिस बंद करके चले गए, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया भाई। मैसेज कर रहे थे लोकेशन के बारे में, अगर बता देते कि आप कल सुबह डिपॉजिट कर सकते हो तो हम रात को नहीं आते यहाँ पर। और भाई जब यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो रिसिप्ट कॉपी लेकर जाऊंगी, बट भाई ये रात के अंधेरे में ये भाई डार्क प्लेस के अंदर मेरा फटके चार हो रहा है, मैं तो भाई नर्वस फील कर रहा हूँ इतना कि मैं बोल नहीं बता सकता भाई। यार मेरे को पहले निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई, मेरे को और कुछ नहीं सुनना है तो मैं यहाँ से निकल। यहाँ से मुझे एक टॉर्च लाइट मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, ताकि हम यहाँ से बाहर बड़ी आराम से निकल जाए। बट मेन डोर जो हम एंटर किया था वो वाला रूम कहाँ गया, और ये किसका रूम है भाई, ये किसका रूम है मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चीज रखा गया है और यहाँ पर डब्बा वगैरह। तो ये सारे सब कुछ चीज का क्या करेंगे हम आए थे हमारे सारे सब कुछ चीज को डिपॉजिट करके यहाँ पर एप्लीकेट करते कि सारे सब कुछ सामान हमने दे दिया है, कल जाके हमारे इलेक्ट्रिक ऑफिस के अंदर सारे सब कुछ लाइट ठीक कर दो आप लोग। बट यहाँ पर कुछ नहीं, ओ माय गॉड खून पड़ा है यहाँ पर भाई, ये तो किसी का होटल रूम लग रहा है मेरे को। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है यार। ये तो मेरे को बताया गया था ये एक इलेक्ट्रिक ऑफिस है, बट ये हॉस्पिटल है या फिर इलेक्ट्रिक ऑफिस है या फिर एक्सपेरिमेंट सेंटर, ये मेरे को अभी के टाइम कुछ भी पता नहीं चल रहा है भाई। मेरे को तो नर्वसनेस ज्यादा हो रहा है मेरे को यहाँ। वेट ए सेकंड भाई, ये क्या है, ओ भाई निकालो मेरे को, ओ मैं मर गया, मैं तो गया। वो भाई ये क्रेचर कौन सा आ गया, ये ऑफिस या फिर। फाइनली यहाँ से मैं बहुत कष्ट से निकल के आ चुका हूँ और पुलिस वालों को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था जो कि इन लोगों ने पहुंच चुका है और ये सारे घर को इन लोगों ने घेर लिया है। तो यही सही टाइम है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ये पुलिस वालों को ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने देता हूँ। और भाई नेक्स्ट टाइम मैं रात को किसी भी घर के अंदर एंटर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए गेम प्ले को यहीं पर खत्म होता है, और गेम प्ले आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आज के वीडियो के ऊपर लाइक का टारगेट है 300 लाइक। बस हमारे वीडियो के 300 लाइक कर देना आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।